इसमें लोग बात करने वाले गूगल पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या चीज़ आपको इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर, रैम, तो इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक वृंदावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं गूगल पिक्सल 6 और 6 प्रो के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिक्सल 6 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसमें देखते हैं हम लोग डिस्प्ले। जी हाँ, तो इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। साइज की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको 83.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिलता है। और रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें आपको 1080p x 24 पिक्सल देखने के लिए मिल जाता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। और इस डिस्प्ले में आपको 411 PPI डेंसिटी देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ, बात करते हैं बैटरी की, तो इसमें आपको लिथियम पॉलीमर के 4614 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने के लिए मिल जाता है 30 वाट का। जी हाँ, जो कि क्लेम करता है 50% 30 मिनट में चार्ज कर देगा, और जिसमें आपको रिवर्स फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है 21 वाट का। और USB पावर डिलीवरी आपको 3.0 वर्जन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी फास्टेस्ट होता है। बात करते हैं कैमरे की, तो इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। प्राइमरी कैमरा आपको 50 MP वाइड के लिए और आपको 12 MP अल्ट्रा वाइड के लिए देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ, तो इसमें आपको डुअल LED फ्लैश और पिक्सल शिफ्ट और ऑटो HDR पैनोरमा जैसे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा इस कैमरे से आप 4K 30fps और 60fps, इसके अलावा यहाँ पर 1080p 30fps, 60fps और 120fps और 240fps तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जायरो EIS के साथ। जी हाँ, बात करते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरे की, तो इसमें आपको 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने के लिए मिलता है। इसमें भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है 1080p 30fps। जी हाँ, तो बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज की, तो इसमें आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज और आपको 8GB रैम 256GB स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। और स्टोरेज टाइप की बात करते हैं तो इसमें आपको UFS 3.1 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्टेस्ट स्टोरेज होता है। और इसमें आपको कोई भी कार्ड स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी कि आप अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं। और बात करते हैं प्रोसेसर की, जहाँ पर तो इसमें जो कि OS देख लेते हैं, तो इसमें आपको एंड्रॉयड 12 देखने के लिए मिल जाता है प्री इंस्टॉल। जहाँ पर तो सिंपली ये लेटेस्ट OS है। तो बात करते हैं चिपसेट की, तो इसमें गूगल का ही चिपसेट लगा हुआ है, गूगल टेंसर, जो कि 5 नैनोमीटर पर बना हुआ है, जिसकी वजह से जो कि आपका स्पीड होता है बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो बात करते हैं CPU की, तो इसमें भी आपको ऑक्टा कोर देखने के लिए मिलता है, आपको 2 कोर 2.8 GHz कोर्टेक्स X1 देखने के लिए मिल जाता है, और आपको 2 कोर 2.25 GHz कोर्टेक्स A76 मिलता है, और 4 कोर आपको 1.8 GHz कोर्टेक्स A55 देखने के लिए मिल जाता है। GPU की बात करते हैं तो इसमें आपको माली G78 देखने के लिए मिल जाता है MP20 के साथ में। जब बात करते हैं अदर फीचर की, तो इसमें आपको 3.5mm कार्डियो जैक देखने के लिए नहीं मिलता है, और सिंपली USB टाइप सी मिलता है 3.1 वर्जन के साथ, और आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है, और सभी टाइप के सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और यहाँ पर बायरो हो गया, तो सिंपली ये सभी देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसमें आपको 2-3 कलर देखने के लिए मिलता है, तो सिंपली यदि मान लीजिए ये इंडिया में आता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। तो बात करते हैं गूगल पिक्सल 6 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या चीज़ आपको इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो इसमें आपको LTPO डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है 120Hz का। जी हाँ, तो सिंपली इसमें आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। साइज की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.7 इंचेस का एक बड़ी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ, तो इसमें आपको 88.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो कि आपका ब्लैक स्क्रीन के साइड में होता हुआ आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। और इस डिस्प्ले में आपको 512 PPI डेंसिटी देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से जो कि आपका यहाँ पर पिक्चर और फोटो क्वालिटी होता है वह बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और बात करते हैं बैटरी की, तो इसमें आपको 5003 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, और इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग सेम ही देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन आपको इसमें आपको रिवर्स फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है 25W का। जी हाँ, तो इसमें भी आपको सेम ही USB मिलता है 3.0 वर्जन के साथ में। बात करते हैं कैमरे की, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। प्राइमरी कैमरा आपको 50MP वाइड के लिए और 48MP टेलीफोटो लेंस और आपको 12MP अल्ट्रा वाइड के लिए देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको HDR और पिक्सल शिफ्ट देखने के लिए मिल जाता है, फीचर पैनोरमा, और सिंपली इसमें भी आपको डुअल LED फ्लैश देखने के लिए मिल जाता है। और वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो इस कैमरे से आप 4K 30fps सेम ही है, जो यहाँ पर जो कि पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो है दोनों में आपको सेम ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो कि पिक्सल 6 प्रो है इसमें आपको फ्रंट में 11.1 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको ऑटो HDR और इस कैमरे से आप 4K 30fps पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1080p 30fps पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जी हाँ,
बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज की, तो इसमें आपको ओनली 112 GB रैम देखने के लिए मिल जाता है, 128 GB स्टोरेज, और इसके अलावा यहाँ पर 256 GB स्टोरेज और 512 GB स्टोरेज के साथ में। इसमें आपको कोई भी डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी कि आप अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं। बात करते हैं स्टोरेज टाइप की, तो इसमें आपको UFS 3.1 देखने के लिए मिल जाता है। प्रोसेसर आपको सेम ही देखने के लिए मिलता है, गूगल टेंसर यहाँ पर जो कि 5 नैनोमीटर पर बना हुआ, तो स्पीड आपको उतना ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो कि यहाँ पर बैटरी है, इसके अलावा यहाँ पर कैमरा है, इसको इम्प्रूव किया गया, और जो कि आपका डिस्प्ले इसको भी इम्प्रूव कर दिया गया है पिक्सल 6 प्रो में जहाँ पर, तो साइज को भी बढ़ा दिया गया है। तो बात करते हैं अदर फीचर की, 3.5mm का ऑडियो जैक देखने के लिए नहीं मिलता है, NFC का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, रेडियो और USB टाइप सी 3.1 वर्जन के साथ में जहाँ पर। इसमें आपको एक अलग से कैमरा में फीचर देखने के लिए मिलता है, जिसे हम लोग यहाँ पर जो कि ऑब्जेक्ट होता है बैकग्राउंड में, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर उसे इरेज करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वह रहे, जहाँ पर कोई पर्सन है आपके बैकग्राउंड में, तो उसे डबल टैप करके कुछ इस तरह से आप इरेज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हमें उम्मीद आप समझ गएंगे गूगल पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।